अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हरियाणा एनएचएम कर्मचारी संघ के कर्मचारी अपनी लंबित पड़ी मांगों के लिए नागरिक अस्पताल में 2 दिवसीय धरने पर बैठ गए और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसमें गुस्साए एनएमएच कर्मचारियों ने नियमितीकरण, समान काम समान वेतन व अपनी लंबित पड़ी मांगों की मांग की। वहीं एनएचएम कर्मचारी नेता का कहना है कि एनएचएम कर्मचारियों को काम करते हुए 20 से 25 साल हो गए हैं, इतने समय काम करने के बाद भी अभी तक उनका नियमितीकरण नहीं किया गया। उनका कहना है कि हर वक्त उन्हें यही खतरा बना रहता है कि किसी भी वक्त कोई भी अधिकारी उन्हें काम से निकाल ना दे। उन्होंने बताया कि सरकार अगर हमारी मांगों को मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे भी इसी तरह संघर्ष जारी रखेंगे। क्या नाम आपका? बुल्ली देवी। बताएंगे आज धरने पर बैठे हो, क्या है सारा मामला? जॉब सिक्योरिटी के लिए जी, और एक नियमितीकरण के लिए जी। आज नहीं लगे थे जी, हमने किसी की साल हो गए जी, कोई भी सरकार नहीं सुन रही जी हमारी बात। पहले भी जब भाजपा सरकार आई, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि भाई हम सारी जॉब सिक्योरिटी भी कर देंगे, समान वेतन समान काम, लेकिन आज तक भी जी हमने वहाँ तनख्वाह नहीं दी है। उल्टा हमारे कर्मचारियों ने डरावे हैं, धमकावे हैं, तम हटा देंगे, कच्चे सो खराई वो कर देंगे, करना कुछ नहीं जी। हम 4 बार धरना दे चुके जी, हमें खाली झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। बताएंगे आज धरने पर बैठे हैं एनएचएम के कर्मचारी, क्या है सारा मामला? जो हमारे कर्मचारी हैं, 20 से 25 साल हो गए काम करते हुए, और हमारे को भी करीबन 4.5-5 साल इधर होने को हो गए। हमें पिछले 2-2.5 साल हो गए हमारे को भी मांगे रखते हुए कि हाँ भाई हमारे को नियमितीकरण किया जाए या फिर हमारे रूल रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से अप्लाई करेगा, लेकिन ना ही तो प्रॉपर तरीके से रूल रेगुलेशन अप्लाई हो रहे और ना ही नियमितीकरण का कोई काम हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि जितने भी कर्मचारी हमारे वर्किंग है वो इतने टाइम से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनके जॉब की सिक्योरिटी अभी तक नहीं है। किसी को भी हर वक्त यही खतरा रहता है कि कभी कोई अधिकारी निकाल दे, और वो फिर अपने या इस एज ग्रुप में आने के बाद जब उसकी एज खत्म हो जाती है कहीं पर भी अप्लाई करने की, उसके बाद उसको हटा दिया जाता है, तो उसके लिए कोई भी जॉब करने के और कहीं चांसेस नहीं रहते। तो इस वजह से हम आज हड़ताल पर बैठे हैं, और ये हड़ताल हम अभी फिलहाल तो 5 और 6 फरवरी की रह रहे थे, आगे इसको हम अनिश्चितकाल के लिए भी कर देंगे यदि हमारी मांगे को सुचारू रूप से लागू नहीं किया जाए। तो किसी अधिकारी से भी बात हुई है इस बारे में? हमारे अभी जो हायर से जो हमारे अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी है, वो ऊपर हेल्थ डिपार्टमेंट में बात करने के लिए तैयारी कर रही है। यदि आगे से हमारे को कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो हम उसी हिसाब से हमारी हड़ताल का रुख करेंगे। झज्जर से संजना छाबड़ा के साथ संजय थरान की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।